बीच रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए पुतिन ने आसमान से बमों की बारिश करने का प्लान बनाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस काम के लिए पुतिन घातक ड्रोन का सहारा लेंगे जिनके जरिए वो यूक्रेन में आसमान से मौत बरसाएंगे। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन ने जंगी ड्रोन की मदद से जेलेंस्की की फौज पर कहर ढाने की रणनीति बनाई है, लेकिन इस बार वो दूसरे देशों के बजाय अपने देश में ही बने ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस समेत दुनिया के सभी देश जंगी ड्रोन की ताकत देख चुके हैं। चाहे वो तुर्की का बारख्ताश TB2 ड्रोन हो या ईरान का शाहिद 136, इन दोनों खतरनाक ड्रोन ने वक्त आने पर हारी हुई बाजी पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिमी मीडिया ये दावा करता है कि रूसी सेना को न सिर्फ ईरान बल्कि चीन ने भी अपने घातक ड्रोन दिए, जिनके दम पर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई। लेकिन पुतिन अब इससे भी बड़ा हमला करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रूस में ही जंगी ड्रोन बनवाने की तैयारी की है। रूस के मीडिया के मुताबिक नए ड्रोन पूरी तरह हाईटेक होंगे और उनकी ताकत मौजूदा सभी ड्रोन से कई गुना ज्यादा होगी। खबर है कि रूसी सेना के इस प्रोजेक्ट पर 500 बिलियन रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन इतनी बड़ी रकम भी खर्च करने के लिए तैयार है। यही नहीं, इसी साल फरवरी में रूस ने ईरान के साथ एक डील की थी जिसके तहत ईरान के ड्रोन भी रूस की धरती पर बनाए जाएंगे। उधर रूस की न्यूज एजेंसी टास ने एक रूसी राजनयिक के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बावजूद अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा और वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका की ही अगुवाई में पश्चिमी देश जेलेंस्की की फौज को पिछले 14 महीने से खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इस बात से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और वो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी ने वहां के विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी व्लादिमीर यर्मकोव के हवाले से ये दावा किया कि पुतिन अब अमेरिका को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार मना करने के बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन में पिछले 14 महीनों से जारी युद्ध में तगड़ा नुकसान पहुंचा है। जिस जंग को पुतिन आसान समझ रहे थे वही उनके लिए अब नाक का सवाल बन चुकी है, जिसका मतलब है कि पुतिन किसी भी वक्त वो फैसला ले सकते हैं जिससे महाविनाश तय है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वो यूक्रेन में अकेले ही जेलेंस्की की फौज के साथ साथ अमेरिका और दूसरे नेटो देशों की ताकत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन अब सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ना चाहते हैं। यानी अगर पुतिन के दुश्मन ने अपनी रणनीति नहीं बदली और वो यूक्रेन का साथ देता रहा तो आने वाले दिनों में दो परमाणु शक्तियों के बीच महायुद्ध होकर रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चपेट में दुनिया के कई देश आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी परमाणु हथियार इस वक्त मौजूद हैं उनमें 90% रूस और अमेरिका के पास ही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध शुरू हो गया तो उसका असर क्या होगा। हालांकि पुतिन इससे पहले भी कई बार एटम बम बरसाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन रूसी मीडिया का दावा है कि इस बार पुतिन की धमकी हकीकत में बदल सकती है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की लड़ाई अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ चुकी है। माना जाता है कि रूस के पास 6,500